22 अगस्त यानी आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। जमीन पर तो रौनक है ही, आज साथ ही अंतरिक्ष में भी एक खगोलीय घटना होने वाली है। अमेरिका की एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अनुसार आज आसमान में ब्लू मून दिखाई देगा। आज का चांद सामान्य ना होकर ओरिजिनल ब्लू मून होगा, जो अब 2-3 साल बाद ही नजर आएगा। ब्लू मून का मतलब ये नहीं है कि चांद नीले रंग का दिखाई देगा, बल्कि ब्लू मून का मतलब होता है 4 पूर्णिमा वाले सीजन की तीसरी पूर्णिमा। जब कभी ऐसा होता है तो इनमें से तीसरी वाली पूर्णिमा ब्लू मून कहलाती है। एक सीजन में 4 में से 3 पूर्णिमा के आधार पर ब्लू मून 18 मई 2019 को दिखा था और अगला 3 वर्ष बाद 19 अगस्त 2024 को पड़ेगा। जून 2021 में संक्रांति 21 जून को, जबकि पूर्णिमा 24 जून और 24 जुलाई को थी। अब 22 अगस्त और 20 सितंबर को पूर्णिमा है। ब्लू मून शब्द का अर्थ ये नहीं है कि चंद्रमा अपना रंग बदलता है, ऐसा सिर्फ हवा में पानी की बूंदों, कुछ विशेष प्रकार के बादलों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी की राख और धुएं के द्वारा वातावरण में फेंके गए कणों के कारण हो सकता है। ये एक अत्यंत दुर्लभ घटना है। नासा का कहना है कि 1883 में क्राकाटाओ नामक इंडोनेशियाई ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद वर्षों तक नीले रंग के चांद दिखाई दिए। पूरे इतिहास में कई अन्य ज्वालामुखी और यहां तक कि जंगल की आग चंद्रमा के रंग को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं। एक नियम के रूप में एक ब्लू मून बनाने के लिए धूल या राख के कण लगभग 0.6 माइक्रोन से बड़े होने चाहिए, जो लाल बत्ती को बिखेरता है और नीली रोशनी को स्वतंत्र रूप से गुजरने देता है। ये सब कहने के बाद जिसे हम ब्लू मून कहते हैं वो आमतौर पर हल्के भूरे, सफ़ेद या पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी अन्य राशि से चंद्रमा होता है।